आई एम अशोक सर, एसीसी फुलब्रास। वीडियो शुरू करने से पहले, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दशमिक संख्या से द्विआधारी संख्या में परिवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी से दशमिक संख्या में परिवर्तन। कल हम लोगों ने दशमिक संख्या से द्विआधारी में परिवर्तन भार विधि से पढ़े थे, जिसमें हमने बताया था कि दाईं से बाईं ओर एक से शुरू करके उसे दुगुना करके लिखते जाएंगे। हम लोग इसी के आधार पर द्विआधारी से दशमिक संख्या में परिवर्तन करेंगे। देखिए, जैसे वन जीरो वन जीरो वन में आधार दो है, इसलिए यह द्विआधारी संख्या है। इसको हमें दशमिक में परिवर्तन करना है, दशमिक में परिवर्तन करना है। तो दशमिक संख्या में इसका मान क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम दाईं से बाईं ओर अंक लिखेंगे। वन टू फोर एट सिक्सटीन, एक दो चार आठ सोलह, जहाँ जहाँ जीरो है उस अंक को काट देंगे, बाकी का जो बचा हुआ अंक है उसे जोड़ देंगे। जोड़ हमें मिलता है 21, अतः 10101 बाइनरी अंक है, जिसका दशमिक संख्या 21 होगा। जिसका दशमिक संख्या कितना होगा? 21 होगा। तो ये है बहुत इजी, बहुत ही आसान, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वन वन जीरो वन वन इतना बराबर व्हाट? तो क्या करना है? वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, केवल चार के सामने जीरो है, चार को हटा दें। 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, इसका जोड़ देखिए 32 16 48 48 8 56 2 58 1 59। अतः एक 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 जीरो एक एक जो बाइनरी संख्या है उसका दशमिक संख्या 59 होगी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके आधार पर आप उसे आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम आपको इस पर दे देते हैं, आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे और बना करके हमें कमेंट्स करेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि ये आपसे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने का प्रयास करेंगे, बना के हमें इसका आंसर कमेंट्स करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए हम द्विआधारी संख्या का जोड़ सीखते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास द्विआधारी संख्याओं का योग का एक सवाल दिया हुआ। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? इसके सोल्व करने की दो विधियां हैं। एक तो हम इसे डायरेक्ट जोड़ दें, या फिर इसे दशमिक में परिवर्तन करके जोड़ें, पुनः इसे द्विआधारी में बदलें। तो डायरेक्ट जोड़ करके हम आपको दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से सीखेंगे। देखिए, 11011 प्लस 11, यहाँ पर द्विआधारी संख्या का आधार दो होता है, इसलिए 112, परंतु दो का हम जीरो और हाशिया एक लिखेंगे, जो रेस्ट बच जाएगा। अब से जोड़िए, 112 का जीरो, हाशिया पुनः एक लिखेंगे, 112 का जीरो, हाशिया पुनः एक लिखेंगे, 112 का जीरो, हाशिया पुनः एक लिखेंगे। अब ये 3 हो जाएगा, तो 3 का होता है 11। याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आपको बताया था 2 का बाइनरी नंबर इतना होता है, 10 होता है, और 3 का बाइनरी नंबर 11 होता है। तो हम एक बार में केवल इकाई यूनिट ही लिखते हैं और बाद में इसको हटा देंगे, तो हमें जो बाइनरी संख्या प्राप्त होगी वह आंसर इतना आ जाएगा। अतः अभिष्ट उत्तर हमारे पास इतना हुआ। ये तो है बहुत आसान, परंतु ध्यान रखना कि यह कठिन भी है। कठिन इसलिए कि जब तक आपको समझ में नहीं आती, यह आपके लिए बहुत कठिन है। इसे हम पुनः एक बार दोहराते हैं, प्रयास करिए। 112, 2 का 0 जो हाशिया बच गया 1, 112 का 0 पुनः हाशिया बच गया 1, 112 का 0 पुनः हाशिया बचा 1, 112 का 0 पुनः हाशिया बचा 1। अब 1 लिख देती, 113 और 3 का देखिए यहाँ पर बाइनरी नंबर है 11, तो 11 लिख डालिए। ऊपर तो हाशिया था इसलिए उसे हटा दीजिए, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसे जब तक आप करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, इसलिए इसे करके सीखो। इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का, जो इस प्रकार। पहले हम 11011 इसका दशमिक परिवर्तन कर लेंगे। दशमिक परिवर्तन करने के लिए 1, 2, 4, 8 और 16, 4 हट जाएगा, क्या बचेगा? ये हो गया 16, 8, 2, 1, ये 27, 16, 8, 24, 2, 26, 1, 27। अगला हो गया 10101, 1, 2, 4, 8, 16, 8 हट गई, 2 हट गई, 16, 4, 20, 1, 21, इसे जोड़िए, ये हो गई 48। 48 का हमें द्विआधारी लिखना है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो हम क्या करते हैं कि 48 से छोटी, इसके बाद क्योंकि ये 64 आ जाती है यहाँ पर, तो हम इतना सही काम करेंगे कि 32, 16, 48 और बाद में की 0, ये हो गई हमारा आंसर। तो आप, ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि हमें द्विआधारी से दशमिक में परिवर्तन करना पड़ रहा है और फिर इसे दशमिक से द्विआधारी में। अतः फ्रेंड्स, हम प्रयास करेंगे कि आप डायरेक्ट योग सीखें। डायरेक्ट जोड़ का मेथड अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है।
चलिए हम डायरेक्ट जोर पुनः बताते हैं जो अधिक हार्ड नहीं है, डायरेक्ट जोर सीखने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न हमारे पास योग का ये है, थोड़ा सा इसे प्रयास करिए समझने का। पुनः हम इसे डायरेक्ट जोर करके बता रहे हैं। 1101 नीचे में आएगा 101 जो 112 और 2 का 0 यहाँ से 1, ये तो 1 हो गई। 112 2 का 0 यहाँ से 1112 ये हो गई। इतना इसका कंप्लीट आंसर 10010। चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। 1248 टू कैंसिल, 124 टू कैंसिल, ये हो गई 12 1 13, ये हो गई 5 और 18 बनेगा ये। तो यहाँ से भी चेक कर लीजिए 1248 और 16, यहाँ से 84 ख़त्म, ये 16 + 2 = 18, मतलब ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों एक जैसा है अर्थात बराबर है। अतः जोर का जो ये तरीका है डायरेक्ट योग, ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों आप प्रयास करोगे इसे डायरेक्ट योग करने का, नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण हम बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए प्रयास करते हैं कि 15-16 मिनट का वीडियो आपको समझा दें और इसमें ही आपको बेहतर तरीके से समझाएं कि कैसे क्या करना है। पुनः हम तीसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे। पुनः उसी प्रकार 112 और 2 का 0 हंसिया 1, 111 अर्थात 3 का 1 हंसिया 1, 112 का 0 1, 111 3 का 11 हाशिया हटा दीजिए। कंप्लीट आंसर जो हमें प्राप्त हुई है वह है इस प्रकार से, इतना आंसर होगा इसका। जांचने के लिए आप इसे जांच सकते हो, क्या करना है 1248 यहाँ पर 4 कैंसिल कर दो, 1248 यहाँ पर ये क्या है कि 8 2 10 1 11, ये बच गया आपका 12 3 15, जो आंसर आया है वह है 26। अब यहाँ देखते हैं 1 2 4 8 16, यहाँ पर देखिए 4 और 1 हट जाएगा, ये बच गया 16 + 8 24 + 2 26। देखिए ये दोनों सेम, ये दोनों बराबर है, अतः हमारा ये आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो इस प्रकार आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आपसे ये बनेगा, आप इसे बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स प्रयास करोगे सीखने का, आराम से सीखने का, वीडियो को पॉज करके और इसे पुनः समझिए, अच्छी तरह समझिए, वीडियो को रिमाइंड करके पुनः देखिए, फिर इसे समझिए। इसके आधार पर हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप बना के हमें आंसर कमेंट्स करोगे। ये रहा आपको बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये द्विआधारी संख्याओं का योग समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलेंगे, तो लाइक और कमेंट्स अवश्य करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।